सपोज करो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि वो एमजीएच का आंसर देने जा रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच कब यूज करते हैं। ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है। मान लें आप अपने ऑब्जेक्ट को एच हाइट ऊपर ले गए। अब ये एच हाइट पॉइंट टू बी नोटेड इज स्मॉल। स्मॉल का मतलब 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, बस किलोमीटर में नहीं। तो नॉर्मली जो वर्क पर एनर्जी की प्रॉब्लम थी या जितनी भी प्रॉब्लम हमने पहले की उसमें हाइट बहुत ज़्यादा कभी थी ही नहीं, ये वही प्रॉब्लम है। तो हाइट ज़्यादा नहीं है। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन में ये बताओ कि यहाँ पर सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर। इस पॉइंट पर कितनी है, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल में से इनिशियल क्या कर दें, माइनस। तो ये मैंने माइनस कर दिया इन्हें, तो ये फाइनल है, ये इनिशियल माइनस किया। इसमें से कॉमन आ गया जी एम एम, कॉमन आ गया, कॉमन निकाल के माइनस माइनस प्लस वन बाई आर ये आ गया, और ये माइनस आर प्लस एच। ये भी स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ये टर्म आ गई, इन दोनों टर्म में से वन बाई आर कॉमन निकाल लो। वन बाई आर कॉमन निकालेंगे तो ये क्या टर्म हो जाएगी, वन। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, कैपिटल आर से, राइट। क्लियर है यहाँ तक, तो ये स्टेप भी क्लियर है। एक काम कर लो, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन और, इसको न्यूमिनेटर को एंड डिनोमिनेटर को आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। तो आर और आर क्या हो जाएगा, वन, और ये आर बाई आर क्या हो जाएगा, वन, एच बाई आर की जगह एच बाई आर। ये स्टेप भी क्लियर है। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को आर से डिवाइड किया तो आपके पास ये टर्म बन गई। इस पूरे टर्म को उठा के न्यूमिनेटर में ले जाओ तो रेज टू पावर कितना, माइनस वन। इस पूरी टर्म को ऊपर लेके जाएंगे, रेज टू पावर माइनस वन। बाइनोमियल लगा दें, बाइनोमियल में एच बहुत छोटा है तो लगेगी, माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कर दें। जब माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एच बाई आर। इसे ओपन करें, वन और वन कैंसल, और आपके पास ये टर्म आ गई। अब एज यूजुअल कैपिटल जी एम की जगह क्या पुट करेंगे, स्मॉल जी आर स्क्वायर। जैसे ही पुट करेंगे आर स्क्वायर कैंसल, आंसर एम जी एच। तो एक्चुअल में एम जी एच पता है क्या था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या आप ग्राउंड से जब एच हाइट पर लेके आते हो तो आप ये मानते हो कि अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ की एनर्जी जीरो, और एच हाइट पर फाइनल एनर्जी कितनी, एम जी एच, ताकि चेंज एम जी एच माइनस जीरो विल गिव एम जी एच। अपनी कन्वीनियंस से ईजी करते थे, पर एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच होता नहीं है, एक्चुअल में माइनस जी एम एम बाई आर ही होता है, ठीक। तो इसका मतलब एम जी एच क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।